हे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल नव्या के टॉप टिप्स। एंड हम आ चुके हैं अब 2020-24 में, तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो आज हम बनाने वाले हैं, जैसे कि आप सबको पता ही है, मूंग की ग्रेवी। मूंग की ग्रेवी कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं। ये देखिए, मेरे मसाले सारे रेडी हैं। तो मैंने यहाँ पर एक कटोरी मूँग लिया है, छोटी बारीक कटी हुई प्याज, छोटे बारीक कटे हुए दो टमाटर, हरा धनिया को मैंने बारीक कट लिया था। फिर मैं यहाँ पे ले रही हूँ 25 से 20 लहसुन की कलियाँ, छोटी सी अदरक और हरी मिर्च लिए है 5 से 6। यहाँ पे मैंने मसालों में लिया है लाल मिर्च, धनिया, हल्दी, गरम मसाला और स्वाद अनुसार नमक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर मूँग को धो के अच्छे से इसको भून लिया था। पहले हमें मूँग को भूनना है, फिर हम इसकी स्टीम लेंगे। दो स्टीम लेना है हमें। जब तक हमारी मूँग गलती है, तब तक हम इसका मसाला तैयार करते हैं। तो चलिए, प्याज को डाल लिया है, फिर टमाटर, फिर लहसुन की कलियाँ, हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च डालकर इसको अच्छे से भून लेंगे। ज़्यादा नहीं भूनना है हमें, बस थोड़ा सा, जब तक कि ये इसका पानी सूख के थोड़ा नरम ना हो जाए सारे मसाले। जब ये सारे मसाले नरम हो जाएंगे, तो हम इसमें इसको ग्राइंड करके इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो अब मैं जार में डाल के इसको अच्छे से सारे मसालों को डाल के पीस लूँगी। ये देखिए, हमारा पेस्ट रेडी है। अब हम इसका तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 50 ml ऑयल। उसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून ऑफ ज़ीरा। यहाँ पे मसाले जो मैंने दिखाए थे, उनको ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, ये मसालों को ऐड करेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे, फिर जो हमारा मसाला है उसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे डाल के। जब तक कि इसका ऑयल नहीं आ जाएगा बाहर, तब तक हम इसको फ्राई करिए। देखिए, ये इसका ऑयल अच्छे से फ्राई होके बाहर आ चुका है। तो अब इसमें मैं जो हमारी गली हुई मूंग है, जो हमने गलाई थी, उसको अब ऐड कर रही हूँ। अब ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा, दो उबाल आने तक हम इसको पकाएंगे। अब हमारी मूंग थोड़ी सी गाढ़ी हो चुकी है, इसलिए मैं एक कटोरी पानी ऐड कर रही हूँ। इसमें पानी ऐड करके जब तक इसका पानी गर्म हो के फिर से उबाल नहीं आ जाता, तब तक इसको पकाऊंगी। अभी अच्छे से उबाल आ चुका है, अच्छे मसाले मिक्स हो चुके हैं। तो हम इसमें हम हरा धनिया ऐड कर रहे हैं। ये देखिए, हरा धनिया ऐड हो चुका है। इसको अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट हाई फ्लेम पे पकाएंगे, फिर इसको ढक के 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे, फिर हम इसका स्विच ऑफ, गैस का स्विच ऑफ कर देंगे। तो आप इसको राइस के साथ खा सकते हैं, या आप इसको चपाती के साथ खा सकते हैं। अगर आप इसके साथ ज़ीरा राइस बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। मैंने इसको इसके साथ ज़ीरा राइस को बनाया था। ये देखिए, कितनी अच्छे से दिख रही है। तो ज़रूर ट्राई करना। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो दूसरों तक शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। थैंक यू। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के